Yeah, just give me like one. All right? Excuse me? Ma'am, I want to open an account. Hey, hage ji, paise. आप बैंक पहली बार आए हैं? Yes. Okay. ऐसे अकाउंट नहीं खुलता सर, पहले फॉर्म फिल कर दीजिए और एक टोकन ले आइए फ्रॉम दैट काउंटर, वो है ना पीछे, जैसे आपका नंबर आएगा यू कैन कम बैक. मैम वहाँ तो खाली है, वहाँ तो लाइन में कोई है ही नहीं. सर कुछ रूल्स होते हैं बैंक के, प्लीज. अजीब से रूल है आपके वैसे. सर आपके पैसे. शिट यार, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. आशिमा लंच. कम ऑन लेट्स गो. मैम आप तो हाफ डे ही जा रहे हो, टोकन में ले आओ, मिलके फॉर्म भी भर लेते बैठ के आराम से. इट्स लंच आवर सर, आई हैव टू गो. तब तक आप नीचे वहाँ साइन कर दीजिए, तीन पासपोर्ट फोटोज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड समवन टू इंट्रोड्यूस यू. कोई और क्यों जी, मैं अपनी इंट्रो खुद दे देता हूँ. मायसेल्फ विक्की अरोड़ा एंड यू आर आशिमा रॉय. ओए तुसी बोंग हो? यस आई एम नॉट अ पंजाबी. किसी ऐसे को साथ लेकर आए जिसका अकाउंट ऑलरेडी हमारे बैंक में हो, वो आपकी पहचान करा देगा. ओके चले. आशिमा यू नो इज वरुण्स फ्रेंड. व्हाट? मैंने सोचा डॉक्टर है, डिसेंट बंदा होगा. आई गॉट अ बड़ा डर्टी माइंड, आपके लीचर टाइप. वेरी ऑकवर्ड यार, इसमें डर्टी क्यों है? यंगस्टर से ऐसे नॉनवेज टाइप काम कराना, धंधा कराना हुआ और क्या. और तैनू पता तू की कह रहा है? मेरी रिस्पेक्ट है, मेरे पेशेंट मैनू पूछते ने किन्नी रिस्पेक्ट करते ने, तैनू पता. मैनू कुछ फर्क नहीं पैंदा, रिस्पेक्ट घर पे करें अपनी. यार आई हेट किड्स. बट व्हाई? कभी स्मेल करके देखा कितनी बदबू आती है, सुसु की, पॉटी की, और बात करके जो उल्टी करते हैं वो मुझे नहीं करने बच्चे. पर तेरे से बच्चा करने को क्या कौन रहा है यार? जो स्पर्म मेरा होगा तो बच्चे किसके होंगे? वही तो, सिर्फ स्पर्म तेरा होगा. क्या कर रहे हो, पहचान वालों की दुकान है, मरवाओगे आप यार. सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी. किन चक्रों में फंसा रहे हो सर आप मुझे? मैं फंसा रहा हूँ? चक्रों में तो वो फंसे हुए हैं जिनके बच्चे नहीं होते. ये जो इनफर्टिलिटी है ये मॉडर्न लाइफ की कैंसर है. और नहीं सुननी मुझे सोसाइटी की फुद्दू बातें. माय डियर सोसाइटी की नहीं, इनसिक्योर और हाईली ओवर एम्बिशियस लोगों की प्रॉब्लम है. रूटीन दे एक सिटीज का, लेट तक ऑफिस में काम करना, उसके बाद ट्रैफिक में फंसते फुसाते हुए कार वापस लौटना, ड्रिंक लेना, लैपटॉप खोल के फिर बैठ जाना, और फाइनली वाइफ से कहना डार्लिंग आई एम टू टायर्ड, हो गई मैरिड लाइफ हेल, बंदा बचा ही नहीं काम करने लायक. दूसरी तरफ हमारे विलेजेस हैं, टच पर कर लो बच्चा बाहर. इस प्रॉब्लम की जड़ में की है तेन पता है? पूछ की है? की है स्ट्रेस. नहीं करनी सर सोशल सर्विस. ओके चलो मैं मान जाता हूँ आपकी बात. क्या गारंटी है सर कि बच्चा हो जाएगा बताओ? नहीं कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी. लेकिन इस बात का पता चल जाएगा कि तू बच्चा पैदा करने लायक है कि नहीं है. गाड़ी रोको. हां जी. मैं कहना गाड़ी रोको. ओ यार एक मिनट यार, क्या होया? गाड़ी साइड पे लगाओ यार. पक्की होया कि मैं दस्ते सही? हेलो ओए ओए ओए, क्या कैसे दिया आपने, कैसे कह दिया आपने? मैं उस लायक नहीं हूं क्या? मेरा बच्चा नहीं हो सकता मेरा. मिसअंडरस्टैंड मत कर. मिसअंडरस्टैंडिंग दी पैन दी शिकी. फोन करके देखना आगे से मुझे. ओके थे आप होते ही ना मेरे बारे में फुद्दू बातें करने वाले. मिसअंडरस्टैंड मत कर, मिसअंडरस्टैंड. सॉरी यार, बता रहा हूं आपको, लाइन लगा सकता हूं बच्चों की मैं. बिल्कुल, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया. एक लिंक है जी, मेरे कजन का ना जो ब्रदर इन लॉ है वो है जी आरबीआई में. सॉरी सर नॉट पॉसिबल. मुझे लग रहा है अब तो मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा. तब भी नहीं सर. यार कोई तो जुगाड़ लगाओ आशिमा जी, मुझे ऐसा बंदा जानता ही नहीं जिसका आपके बैंक में अकाउंट हो. अकाउंट नहीं खुल सकता क्या उसका? सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ आई डोंट हैव द अथॉरिटी. आप ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं. हाँ मैंने बात की थी मैंने, पर वैसे आशिमा आपका अकाउंट उसी बैंक में है ना? ऑब्वियसली. तो आप और मैं फ्रेंडशिप कर लेते, एनओसी दे दो.
मेरा काम सेट हो जाएगा। सर मैं आपको जानती नहीं हूँ। कॉफी लेंगे आप? निकालता हूँ कुछ जुगाड़ में। ओके सी यू। ये हमारे साउथ ट्रिप की है, इससे विक्की 8 साल का था। अच्छा, अच्छा। और ये मेरी यंग टाइम की है। ओल्ड तो आप अभी भी नहीं लग रहे। थैंक यू। वैसे उम्र मेरी ज्यादा नहीं है। वो तो कम उम्र में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है फिर स्ट्रेस तो फेस और बॉडी पे निकलता है ना। हाँ जी, जी। और ये इनकी है, इस ट्रिप के बाद इनकी डेथ होगी तो ये इनकी लास्ट फोटो है। लगते हैं ना ओबामा की तरह। हाँ जी, हाँ जी, सेम टू सेम पर दो शेड गोरे। जितनी बार भी वो मरा टीवी पे आता है मैं सब काम छोड़ के बैठ जाती हूँ। लगता है इन्होंने अमेरिका में रीबर्थ ले लिया। ओए विक्की, तू आ गया? तूने बताया नहीं चड्डा जी के साथ बिजनेस शुरू कर रहा है? बड़ा लेट हो गया। बचपन में बड़ा शरारती सीगा, तेरी सारी हिस्ट्री पता कर लिया मैंने, लेकिन वो बात नहीं बताई, प्रॉमिस। शिट मैन शिट। क्यों है? कितने बड़ा लसन हो यार आप। बाय गॉड मम्मी स्वेयर यू क्रॉस द लिमिट। रिलैक्स रिलैक्स, मम्मी सुन लेगी। मम्मी प्लीज यार डोंट टच मी। कितने बड़े चेप हो पता है आप? कितने बड़े चेप हो? देख तुझे नहीं करना है मत कर, लेकिन मुझे चेप मत बोल, इट हर्ट्स यार। आप खुद ही बताओ। सर जी आई एम अ कॉमन मैन, लाजपत नगर की रिफ्यूजी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। मम्मी इज अ विडो, उनको पेप्सी आंटी को शर्मे भल्ले चोपड़े इनको पता चलेगा कि मैं इस तरह के काम करता हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट लेनी देनी हो जाएगी ना। कॉलोनी में बंद कराओगे मेरा आना जाना आप? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई एम ए सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर। शिट, ए काम लीगल है आज से ही नहीं महाभारत के टाइम से। इंडिया गेट पे खड़ा होके कह सकता हूँ मैं, इट्स एन एंशंट साइंस। जिनानियों के जब बच्चे नहीं होते थे तो ऋषि मुनियों को बुलवा लेते थे, बाबा औलाद नहीं है, बाबे ने की किता तथास्तु किता, हो गया। यही तो है, बड़ा पुराना साइंस है, इसमें गलत क्या है? और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यू कैन मेक मनी, आई कैन मेक मनी, क्लिनिक मेरा बच जाएगा, आगे तेरी मर्जी। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो जी, किदा? हाय। लुकिंग स्वीट, डिफरेंट, क्यूट सी लग रही है। थैंक यू। तो सिंगल हो तुम? कैसे पता? नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आगे पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा था, वो भौ भौ करता हो, घूम रहा होता, पैरा दे रहा होता। एक्सक्यूज मी, आई एम एन इंडिपेंडेंट वर्किंग गर्ल। और लड़कियों की तरह नहीं हूँ मैं। बात नहीं। देयरफॉर डोंट इवन ट्राई। क्यों भाई, वर्किंग लड़कियों के अफेयर नहीं होते क्या? होते होंगे, पर डेफिनेटली उन्हें उनके पीछे कोई दो मिलाता बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो नहीं। मैडम ये तो ना देखो, डिपेंड करता है, अगर मेरे जैसा शरीफ सीधा साधा कुत्ता मतलब बॉयफ्रेंड अगर फंसाओगे तो आगे पीछे तो घूमेगा ना। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? व्हाट क्रैप, तुम आए थे मुझसे यहाँ बात करने के लिए, डोंट फॉरगेट। देखो जी माल को ऐसे अकेले अकेले तैयार शार होके खड़े होना, यही तो फंसाने की स्टार्टिंग्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं। पता नहीं था ना मुझे कि आप तुमसे मिलने वाली। पता होता तो कम तैयार हो के आती। आती ही नहीं। ओवरसीज डिमांड आती है, ब्रैड पिट, शरूक, लेडी गागा, बैकम, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज के स्पर्म की डिमांड करते हैं क्लाइंट्स। अब तू ही बता कहाँ से लाऊं इनका सैंपल? लेकिन डिमांड है तो सप्लाई तो करना होगा। कैसे? तू है ना क्रिकेट तू खेलता है, हो गया हमारा धोनी, हैंडसम तू है, बैकम हो गया, नाचदा है ते गांदा है, हो गई लेडी गागा, और नौटंकी तो हम इंडियंस की जीन्स में है, हो गया शरूक। कंज्यूमर भी खुश, मैन्युफैक्चरर भी खुश। सर रेट बढ़ा दो मेरा। पैंदा टक्का ग्रीडी पर। हाय, सॉरी आई गॉट लेट, टू मच ट्रैफिक।
शुड वी ऑर्डर फॉर लंच? ऑब्वियसली, पर मुझे तो लगा तुम आओगी नहीं। अब उस रात तुमने मुझे घर ड्रॉप किया सेफली, ऑटो के पैसे भी नहीं लिए, तो एक लंच तो दैट्स ओके। अब ऑटो में मैंने कर भी क्या लेना था। एनीवे, व्हाट डू यू वर्क? काम, आई मीन आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। फिलहाल अभी ऐसे एक्सपोर्ट्स ट्रेडिंग सही चल रहा है। किस चीज का? हैंडीक्राफ्ट्स। रियली? या मेरे पापा भी कॉटेज एम्पोरियम में हैंडीक्राफ्ट्स का डिपार्टमेंट हेड करते हैं। आई मीन थे, ही इज रिटायर्ड नाउ। क्या हुआ? व्हाट्स सो फनी इन दैट? व्हाट हैपेंड? सो आर यू सिंगल? कंफर्म करके अफेयर करेगी क्या? नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, खाली पूछ रही हूँ मैं। आई हार्डली नो यू, मुझे कोई अफेयर नहीं करना है तुम्हारे साथ। तो फिर डेट पे क्यों आई? ऐसे ही आई हूँ, इट्स नॉट अ डेट। आई मीन एनी, छोड़ो, पकड़ाई कहाँ है? तुम हमेशा ऐसी बात करते हो। मैं वैसी बात भी करता हूँ। वैसे आज तूने अचानक मिलने का प्लान क्यों बनाया? आई वांट टू टेल यू समथिंग। बता। आई एम अ डिवोर्सी। आई न्यू इट, पता था मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जो इतना चिक चिक करती है। हंसती तो ऐसा लगता है हंसी भी एहसान कर रही है। वैसे स्टोरी क्या? 3 साल पहले हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। लड़का डीयू से था, he was a banker. पहन भी अच्छे पैसे कमाता होगा यार। सॉरी। yeah. आगे क्या हुआ? कुछ नहीं, शादी की फर्स्ट नाइट मुझे पता चला दैट he loved somebody else. और मुझसे शादी उसने सिर्फ फैमिली प्रेशर में आकर की थी। आई डोंट नो, छुपाया क्यों, बता देता। फट्टू होते हैं ना, बॉन्ग्स फटती है उनकी। आई एम नॉट लाइक दैट। उसके बाद क्या हुआ? आधी रात को अपना सामान पैक किया, ऑटो लिया और घर वापस आ गए। उसने मुझे घर ड्रॉप करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ले, ये शादी थोड़ी मानी जाती है। सेक्स तो हुआ ही नहीं, ब्राइडल का खर्चा अलग। मम्मी से कराती ना 50% वापस मिल जाता। अच्छा, जब मम्मी से मिलेगी ना तो डिवोर्सी वाली बात ना अवॉइड करियो। क्यों? पंजाबी हैं, कंजर्वेटिव, तेरे बॉन्ग्स की तरह मॉडर्न ही है। और तुम? मैं तो सही हूँ, सिंगल, डबल, डिवोर्सी, सब चलेगा मुझे। तुम्हारा कोई सीक्रेट है? मेरा नहीं यार, ऑर्कुड पे 735 फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे 750 और प्रोफाइल पिक्चर ये वाली है। सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है, जब मर्जी चेक कर ले। Why are we here? What do you want from me? पता नहीं यार आशिमा, जब से तुझे मिला हो ना ऐसा लगता है यार कि रह नहीं सकता। अब आदत सी पड़ गई तेरी। पहले बैंक में देखा, लगा ऐसी सी है कैसी सी है। फिर सोचा जैसी सी है बहुत सही सी है। तुझे आसाना ना, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। शाम को घर ड्रॉप करने जाता हूँ, सुबह पिकअप करने जाता हूँ, और जो बीच में टाइम होता है ना जो करता ही नहीं है यार। पर क्यों पूछ रही है मेरे से? Cause even I've fallen for you. I want to marry you. Have our kids. Family. But that's okay. ऐसा जरूरी भी नहीं है कि तुम भी ऐसा ही चाहो। Maybe you don't want to settle down. So you can let me know. चल, चलते हैं तेरी काली बाड़ी और शादी कर लेते हैं। I'm serious, Vicky. I'm also serious. अच्छा, तेरे घर में जो पीसी है वो कैट है कि डॉग है? पिशी मतलब पुआ।
ओए, तू ड्रिंक करती है? आई हेट पंजाबीज। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। थोड़ी अलग नेचर होती है हमारी। और फिर ये तोरोड़े, मैं तेनू समझा रहा सी, ए बोंग असी पंजाबियों नू लाइक नहीं कर दे। आई हेट दिल्ली आल्सो। है सर, फिर तो आपने दिल्ली देखी नहीं सर ठीक से। आई एम हैप्पी इन सी आर पार्क, माय बंगाली कॉलोनी। सर वो भी वैसे दिल्ली है। आर यू हिज अंकल? नो नो नो, बिजनेस पार्टनर, प्रोफेशनल अंकल कह लो जी। क्या बिजनेस है आपका? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सर आपने बताया नहीं सर कि आप पंजाबी से इतनी हेट क्यों करते हैं? बिकॉज वी बिलीव इन सिंप्लिसिटी, नॉट लाइक पंजाबीज हु आर ओनली शो ऑफ्स। आई एग्री विद यू मैडम, कल्चर तो मैच करता ही नहीं हमारा। मैं इसको यही समझा रहा था कि प्रॉब्लम तो आनी है जड़ी अंडरस्टैंडिंग। सर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और बंगालीज के बारे में लिटिल बिट मुझे पता है सर। आई सी, क्या जानते हो तुम बंगालीज के बारे में? दे लव फिश। सर इंटेलिजेंट होते हैं सर। जनगण मन अधिनायक, अ नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और सर मोहन, मोहन फुटबॉल, फुटबॉल मोहन बगान। सर वो बंदा बड़ी सही फुटबॉल खेलता है। बंदा? इट्स अ टीम, इट्स अ फुटबॉल टीम। उसने टीम बना ली? सर आपकी दीदी सर। दी मोमोता दीदी? सर वही वाली जो दीदी है, शी इज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल सर। सॉरी सर। टुना है बाबा? जानिए सर।